famous starter that is known as Arborio di Risso. Arborio is a rice from Italy. Out of Arborio, we are going to make arancini. Naam kya hai iska? Arancini. You know how to make Arborio. We have already shown you how to make risotto. Right? हमने कौन सा रिसोर्टो बनाया था? रिसोर्टो वाला शैम्पिग्नॉन. शैम्पिग्नॉन means mushroom risotto. Right? So अभी हम प्लेन रिसोर्टो बनाएंगे. मैंने बटर ऐड किया है इसमें एंड अ बिट ऑफ ऑयल बिकॉज टू लोअर डाउन द टेम्परेचर. 1 teaspoon ऑफ chopped गार्लिक, 4 teaspoon ऑफ सैलेड्स. Saute it nicely. Okay, flame थोड़ा तेज कर सकते हैं. इसके बाद we will add थोड़ा transparent हो जाने दो इसको. Then we will add arborio, right? I told you already how to make a risotto because that rice is a special kind of rice. We don't wash it. Clear? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप थोड़ा भी पानी इसमें लग गया तो क्या होगा ये? इसका start. Now I'll add it. Again, you can add white wine if you have. If you don't have white wine, we can use white stock or brown stock. अगर आप vegetarian बना रहे हैं, pure vegetarian, so don't use stock. You can use hot water, right? Yes, sir. What do you want to have? Vegetarian? Vegetarian. Chef. So I'll add hot water. If we are making vegetarian, then we can add vegetable stock to it. Yes, perfect. Very good. We can add vegetable stock. That is one much more better than water. Slowly इसको छोड़ देंगे, कुक होने देंगे. In between we can add butter and parmesan. Right? Yes, sir. So I think it takes next 15 to 20 minutes. आपको यहीं खड़े रहना, जाना नहीं है. We keep on stirring it. और जैसे ही आपको लगता है it's getting dry, add more stock or hot water. Clear? Yes, sir. So we'll come back after 15 minutes. Ready to what? Ready to serve. बटर मैं बीच में कई बार डाल चुका हूँ. अगेन आई एम एडिंग राइट एंड पार्मेसान. सी पार्मेसान इज द मेन यू कैन से इंग्रेडिएंट और वाइट वाइन दैट इज मोर देन एनफ. इफ यू हैव पार्मेसान नहीं है घर में, अगर प्रोसेस चीज है, यू कैन ऐड प्रोसेस चीज. देखो ये बिल्कुल पूरा कुक नहीं करना है. We have to cook it 90%. इसके बाद इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे. उसके बाद निकाल के हम इसकी बॉल बनाएंगे and we can do any kind of stuffing. Right? Salt and pepper आप चेक कर लो. You can add any herb. If you have oregano, you can add oregano. I'm adding oregano. Right? थोड़ा सा salt and हल्का सा black pepper as per your taste. Right? अभी बिल्कुल रेडी है. थोड़ा टेस्ट भी कर सकते हैं आप बिफोर यू नो फिनिशिंग इट अप. अब अगर आप देखिए राइस का कलर देखिए, तो इट्स ऑलमोस्ट 90% डन. राइट? अब इसको आप यू कैन कीप इट इन द फ्रिज. दैट इज फॉर्म टू टूथ, यानी फॉर्म टू बाइट. इट मींस इट इज अल डेंटे. अल डेंटे. इट्स डन. So I'll remove it, take it out in the bowl and keep it in the fridge. 10 minute के बाद उसको निकालेंगे, then I'll show you how to make balls of it. ठंडा हो गया है जो हमने फ्रिज में रखा था. किस प्रिपरेशन के लिए रखा है? अरेंचिनी दी रिसो. अरेंचिनी दी रिसो, राइट? अब हमें कुछ नहीं करना है. इसकी क्या करनी है? बॉल्स बनानी है और इसको स्टफ करना है. शेप और साइज आपके ऊपर है, आपको कितनी बड़ी बॉल चाहिए. दिस इज द आई थिंक परफेक्ट. हम इसमें चाहे तो अगर आपके पास चीज क्यूब्स हैं तो चीज क्यूब इसमें स्टफ कर सकते हो, और आइदर आप ये ग्रेटेड इसके अंदर हम डालेंगे.
ठीक है, और इसी को हम ऊपर से ऐसे ही हम सारी बॉल बना लेंगे, ठीक है। और इवन यू कैन पुट यू नो जस्ट एन एग्जांपल, एलिपिनोज इज देयर, यू कैन हैव वन एलिपिनोज इनसाइड, इट विल गिव यू मोर यू नो कंट्रास्ट, टेस्ट ट्विस्ट हो जाएगा। एक ऐसे भी बना देते हैं, पर उसका नाम क्या हो जाएगा, फिर नाम चेंज हो जाएगा, स्टफ्ड एलिपिनो, आप उसको बोल सकते हैं एलिपिनोज स्टफ अरंचिनी रिसो, राइट। कोशिश करो सबका साइज ना सेम रहे, छोटा हो गया, आई थिंक थ्री का रहना, द रेस्ट ऑफ यू यू कैन मेक। हां यस सर, अब बता दो ये हमारे पास क्या है, एग बैटर, एग बैटर, बैटर कुछ नहीं है, एग है इसमें और सीजन सीजनिंग है, सॉल्ट एंड पेपर। इफ यू वांट टू ऐड ऑरिगेनो थोड़ा सा डाल सकते हैं, पर आई एम नॉट एडिंग, राइट। इसके बाद हम इसको एक बार इसमें डालेंगे अच्छी तरीके से, देन इसमें ओके, राइट। अब दूसरे हाथ से इसको क्रम करेंगे, मेक श्योर आपके हाथ गंदे ना हो, ब्रेड क्रम की वेस्टेज ज्यादा होगी। दूसरी साइड आप ऑयल चढ़ा दो, जिससे कि टेम्परेचर जब तक आ जाएगा, ओके डी के एफ बोला, ज़्यादा जल्दी में क्या होगा, जैसे अभी ये हो गया था, ठीक है। अब तो मैंने इसमें एग डाल दिया है, अदरवाइज वैसे तो एग को भी आजकल लोग वेजिटेरियन में कंसीडर कर रहे हैं, अदरवाइज एग की जगह आप क्या करोगे, एंड मिल्क इज द बेस्ट ऑप्शन, मिल्क डालेंगे और उसमें थोड़ा सा फ्लावर डाल के हम इसको वेजिटेरियन कर देंगे, अभी भी ये वेजिटेरियन है वैसे, ठीक है। तेल का जो टेम्परेचर है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, ठंडा होगा तो क्या होगा, और वो टूट जाने के भी डर है, ज्यादा गर्म होगा तो बहुत जल्दी कलर आ जाएगा, ठीक है। This is the perfect color. You can see the color, right? आप देख सकते हैं, this is the right golden brown color. Done? Yes, chef. तो इसको निकाल लेंगे और we gonna to present it. Now, the sauce which goes with it. You can make any kind of dip, right? Either you can have with the mayonnaise based, you can have yogurt based, or you can have tomato sauce. तो हम tomato sauce बनाते हैं? Yes, yes. The same goes with it also, right? मेरे पास क्या है? Mayonnaise भी है. I'm just looking कि मेरे पास क्या-क्या dish. अंदर hummus रखा होगा. Please can you give me? You can pause it. So ये arancini rice है. मेरे पास दो dip है. टोमेटो की भी दे सकते हैं हम, और मेरे पास एक ग्रीन सॉस है, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रीन पेपर, राइट, एंड दिस इज हमस, ओके, एंड आई हैव इंफ्यूज्ड वन, दैट इज आई हैव इंफ्यूज्ड ऑयल विद गार्लिक एंड थाइम, इट गोज वेल विद इट, राइट। सो बेसिल होगा तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हर बार मैं बेसिल यूज करता हूँ, तो दिस टाइम आई एम अवॉइडिंग बेसिल। थोड़ा सा इसके ऊपर इसका टिप देंगे, किसका, ग्रीन सॉस का। अब इसको इसके साथ खाओगे तो यू विल फाइंड अ वेरी यू नो गुड टेक्सचर आल्सो एंड फ्लेवर आल्सो। चाहे तो आप इसको काट के भी रख सकते हैं, यू कैन सी द चीज इन साइड है, नहीं, yes, sir. तो दिस गो इन, मैं ये ध्यान रखना है कि प्लेट ले जाते वक्त ये गिरने नहीं चाहिए, ठीक है। और देयर इज अनदर वे, व्हाट वी कैन डू, वी कैन हल्का सा यहाँ से साइड से क्या करेंगे, कट कर देंगे, सो दैट इट कैन, यस,
मैं सिर्फ एक को काटूंगा, बाकी के आई विल कीप द सेम वे. यू सी द चीज इज कमिंग. यस शेफ. जब इसको खाओगे आप देन ओनली यू कैन एंजॉय द यू नो द रियल टेस्ट ऑफ इट. यस शेफ. These are the way how we present it, right? Yes, sir. Yes, sir. And the last part is very important. That is infused, because its flavor abhi bhi aap le sakte ho, right? Bahut acha flavor aa raha hai. Because thyme and garlic, you know. ये तो मैं साइड से प्रेजेंटेशन के लिए डाल रहा हूँ. यू कैन गिव इन अ सेपरेट बाउल. डन. यस सर. एनी डाउट? नो सर. सो दिस इज कॉल्ड अरेंचिनी देरिसो राइट. इफ यू हैव like here I have used thyme, so thyme is there. If you want to use basil, you can use basil. The जो dips है आपकी, that is hummus and green. आप इसके साथ taste करोगे, it will give a complete different. वैसे अरंचिनी दी रिसो किसके साथ generally serve करते हैं? Tomato sauce के साथ. इसके साथ खा के देखे, you will find a different taste and you will enjoy it. Thank you.